वाह जी दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त। इसका हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल, दिस इज किस टाइम एक्टिव। टुडे वी हैव ब्रॉट अ मोर वर्किंग टॉयज फॉर यू। आज करेंगे हम इनकी इंट्रोडक्शन, अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग। इंट्रोडक्शन करने से पहले रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सकें। ये है हमारे पास फाइटर जेट और ये है हमारे पास एरोप्लेन। इसके साथ रिमोट कंट्रोल मौजूद है। ये मुझे लग रहा है ये मैनुअल है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कलर्सफुल लाइट्स मौजूद हैं, इसके अंदर मिसाइल्स मौजूद हैं। इसकी अनबॉक्सिंग करके हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या मिलने वाला है। तो और ये है हमारे पास एरोप्लेन, इसके साथ कंट्रोल है। आई थिंक इसको असेंबल भी करना पड़ेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, इनकी करते हैं हम अनबॉक्सिंग। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन और अनबॉक्सिंग करते हैं इस फाइटर जेट की। यहाँ पर चाइनीज़ में लिखा हुआ है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर इसके विंग के ऊपर हाइपर फाइटर लिखा हुआ है। ये बहुत ही ज़बरदस्त जहाज मुझे लग रहा है। इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। ये देखें, यहाँ पर बहुत सारे इसके स्पेयर पार्ट्स हमें मिले हैं और इसके अंदर मिला है एक बहुत ज़बरदस्त फाइटर जेट। इसकी भी हमें असम्बलिंग करनी पड़ेगी। इसके अंदर ये देखें, इसके हैं विंग्स और आई थिंक विंग्स के अंदर भी लाइट्स मौजूद हैं। इसकी हम करते हैं असेंबलिंग। यहाँ पर होगी इसकी असेंबलिंग। असेंबलिंग करने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लग रहा है यार। ये देख लें आप, प्रॉपर फाइटर जेट की तरह है। यहाँ पर इसके रोटेटिंग व्हील्स हैं, ये इसकी सपोर्टिंग रोटेट करने के लिए है, और यहाँ पर इसके बैक व्हील्स हैं, और यहाँ पर इन्होंने इसकी मिसाइल्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर इसका पायलट बैठता है, ये इसकी फ्रंट साइड, ये बैक साइड। अब इसको देखते हैं हम, यहाँ ऑन ऑफ का बटन, और यहाँ पर आई थिंक हमें डालने पड़ेंगे इसकी बैटरीज। हमें चाहिए 3 अदद बैटरीज। बैटरीज हम साथ साथ डाल लेते हैं, फिर इसको देखेंगे टेस्टिंग करके। इसके अंदर हम डालते हैं बैटरीज 1, 2 एंड 3। बैटरीज हमने डाल ली है, ये हो गया रिकैप। अब इसको करते हैं हम ऑन। वाओ यार, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत है ये। तो इसको करते हैं हम ऑफ, इसको रखते हैं इधर। हम लेते हैं अपना दूसरा एरोप्लेन, इसकी करते हैं हम अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग करने से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। RC एयर फोर्स रिमोट कंट्रोल सीरीज, यहाँ पर भी कंप्लीट इसका मैप दे दिया है, असेंबलिंग करने का तरीका बता दिया है। तो हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। जी दोस्तों, यहाँ पर होगी इसकी अनबॉक्सिंग। इसके अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। ये है इसका रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल की क्वालिटी मुझ कुछ अच्छी नहीं लग रही, लेकिन तमाम इसको हम चला के देखेंगे फिर पता चलेगा। इसका रेडियो कंट्रोल कुछ बेहतर लग रहा है। इसके अंदर सिंपल से 4 बटन दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4। इसके अंदर हमें चाहिए 2 अदद बैटरीज। बैटरीज हम इंसर्ट करते हैं इसके अंदर 1 एंड 2। इसको हम कर लेते हैं रिकैप, ये हो गया रिकैप। इसको बैटरीज इसके अंदर डाल दी हैं, इसको चेक करते हैं। ये देखें, इसकी प्रॉपर लाइट जल रही है, इसका मतलब है ये काम कर रहा है। अब देखते हैं हम जहाज़, ये देखें इसकी टेल, यहाँ पर भी इसकी टेल, ये इसका बड़ा विंग, एक पावरफुल बैटरी, एक बैटरी रिचार्जर केबल, और ये है हमारे पास एक ज़बरदस्त एरोप्लेन। इसकी हमें असेंबलिंग करनी पड़ेगी। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का एक एरोप्लेन। यहाँ पर इसका रेडियो कंट्रोल रिमोट के मुकाबले में ये बहुत ज़बरदस्त है। एक छोटा व्हील आगे लगा है, 2 बड़े व्हील पीछे लगे हैं। इसकी हम करते हैं असेंबलिंग। आई थिंक इसकी बैटरी पहले लगानी पड़ेगी, क्योंकि बैटरी ये लगा के फिर ये असेंबल हो जाएगा। तो हम करते हैं इसकी असेंबलिंग।
जी दोस्तों, यहाँ पर इसकी असेंबलिंग हो चुकी है मुकम्मल। ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इसके अंदर एक मुकम्मल जहाज़ की लुक महसूस होती है। यहाँ पर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसका ये ऑन ऑफ का बटन हम करते हैं ऑन, और इसकी लाइट्स भी होगी ऑन। ये देख लें, अब हम इसकी कंट्रोल को ज़रा चेक करते हैं कि ये वाकई वर्क कर रहा है या नहीं। जी दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कंट्रोल भी काम कर रहा है। अब हम इनको नीचे रख के इनकी करते हैं टेस्टिंग। ये टेस्टिंग के लिए रेडी हैं। सबसे पहले हम रिमोट कंट्रोल वाले को देखते हैं। ज़बरदस्त, अब हम दूसरे को देखते हैं चला के। ये देखें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है यार, ये चेक कर लें आप। चारों तरफ रोटेट भी कर रहा है 390 डिग्रीज पे। उम्मीद है कि आपको एरोप्लेन अच्छे लगे होंगे, इनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। बाय बाय।